बेल आइकॉन दबाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें लगातार। तो यार कैसे हो आप सब भाई लोग, आई होप आप सभी अपनी लाइफ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। और आप शायद ये देख रहे होंगे मेरे बगल में एक डब्बा रखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि ये भाई ने क्या लेकर आ गया। तो जी हाँ, इसके अंदर है इन्वर्टर ट्रॉली जो कि हम असेंबल करने वाले हैं अभी। सो अगर आप एक इन्वर्टर ट्रॉली की तलाश में थे जहाँ पे आप अपने घर में इन्वर्टर एंड बैटरी को बहुत अच्छे से रख सके और आपकी इन्वर्टर और बैटरी का वजन सह सके, और ऐसी ट्रॉली की अगर आपको तलाश थी तो मैं बहुत ही ब्रांडेड आज आपको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ इस ब्रांडेड ट्रॉली की। मुझे ये फ्लिपकार्ट पे 999 यानी कि 99 रुपीज़ लगा है, मैंने परचेस किया हुआ है। और ये जो ब्रांड आप देख सकते हो बिल्ड स्किल की तरफ से आपको देखने को मिलता है। सो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, जैसे ही ये मेरे पास आया है मैंने इसे ओपन तक नहीं किया है। मैंने सोचा कि ये जो अनबॉक्सिंग है वो मैं सभी आप सभी के सामने जो है वो करूँगा, इसलिए मैंने इसे बिल्कुल भी ओपन नहीं किया है। क्या है इसके अंदर मैंने कुछ नहीं देखा है। सो देखते हैं इसमें क्वालिटी कैसा है, क्या बिल्ड क्वालिटी है, और साथ में हम देखेंगे कि इसमें आपको किस तरह से इसे असेंबल करना है। तो ये पूरी वीडियो आपको आगे देखने को मिलने वाली है, लेकिन वीडियो शुरुआत होगी एक इंट्रो से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी से और एंजॉय कीजिए हमारा ये इंट्रो। सो रुके, एक चीज और भैया, वीडियो की शुरुआत आपने इंट्रो तो देख ली, लेकिन वीडियो की शुरुआत बिना लाइक के हो नहीं सकती। तो जरूर से फटाफट नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए इसके अंदर क्या है मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो यार एक बार बॉक्स को देखिएगा, बॉक्स कितना बड़ा सा बॉक्स आपको देखने को मिलता है, और ये सामने इसकी ब्रांडिंग है। बॉक्स में आगे पीछे दोनों साइड यही है, पीछे मेरा एड्रेस वगैरह चिपका हुआ है बस। तो इसको हम लोग अंदर से काट वाट के देखते हैं कि कैसा है। तो चलिए अंदर से देखते हैं। सो ये रहा हमारा चाकू और अब हम करने वाले हैं इसको कट कट कट। तो चलिए सबसे पहले ये हमारा बॉक्स इस तरीके से खड़ा कर लेते हैं, दैट इज गुड। और मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो कैमरे में प्रॉपर वे पे दिख रहा है, तो एक बार इसको ऐसे और कर लेता हूँ और ठीक है। ओके, थोड़ा कैमरा हमारा शेक हो गया, नो प्रॉब्लम। तो चलिए ये हमारा जबरदस्त एक बॉक्स है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको कट लगाऊंगा एक बार, और दूसरा कट मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये इस तरीके से। सो कुछ इस तरीके से, वाओ। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे सामान हैं, आप देख सकते हैं ये आपको दिख रहा होगा। और वन बाई वन मैं आप सभी को निकाल के दिखाता हूँ, और बिल्कुल इसको मैं टेबल में सजा भी दूंगा, और कैसे हम लोग इसको असेंबल करेंगे उसके बारे में भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हमारा ये एक पार्ट है, ये देखिए ये एक पार्ट है इस तरीके से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे, या आई थिंक बेस हो सकता है इसका, ये देख सकते हैं इसका बेस है। ओके, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। सेकेंड वन यहाँ पे ये अगेन एक पार्ट है इसका, जो कि शायद इसकी वॉल बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि इसकी दो से तीन वॉल है ये इस तरीके से। ये इसका आई थिंक फ्रंट है, कुछ इस तरीके से फ्रंट आपको दिखेगा। ये अगेन इसका ये टॉप है, ये उसका टॉप रहेगा, आप देख सकते हैं टॉप, या ये नीचे का ही है शायद। ओके, ठीक है, ये शायद आपको नीचे के लिए मिलता है। और ये कुछ व्हील्स हैं, देख सकते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी है। तो इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, प्लास्टिक है, ठीक है, देख सकते हैं। तो जैसे आपका वो होता है ना पानी टंकी, उसी तरीके के ये प्लास्टिक है, ठीक है, पीवीसी वाला, ठीक। सो फटाफट अपन इसको जोड़ते हैं। तो देखो अरेंजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। ओके, सो अब हम करने वाले हैं असेंबलिंग का प्रोसेस। तो ये हमारे पास इसके व्हीकल्स हैं, तो इसको, ये ट्रॉली के व्हीकल्स हैं, इसको हम लोग एक बार फाड़ लेते हैं। तो ये हमको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल 6 व्हीकल्स हमको देखने को मिले हैं, और मैं बताता हूँ ये कहाँ पे लगने वाला है। तो अगर मैं कुछ इस तरीके से रखूँ तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कौन सा वाला पार्ट नीचे का है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये हमारा टॉप वाला पार्ट है,
ये हमारा नीचे वाला पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से निशान मिल जाते हैं और यहाँ से चीज़ें लगेंगी, और इसका जो चीज़ है यहाँ पे जो लगेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये बिल्ड होगा, कुछ इस तरीके से ये बिल्ड होगा। तो चलिए पहले हम इसके नीचे में जो है वो हमारा व्हीकल्स जो है वो लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल्स के खांचे भी दिए हुए हैं। सो फटाफट यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सिंपल असेंबल करना है और इसको प्रेस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ये टू ये देख सकते हो, इसको थोड़ा आपको प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉपरली, इसको घुमा भी नहीं सक पा रहा हूँ मैं, ये प्रॉपरली अंदर चला जाए बस। ओके इतना ही। तो चलिए थोड़ा मैं इसको असेंबल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ व्हीकल्स हमारा इस तरीके से जुड़ चुका है, और ये हमारा ट्रॉली कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं इस तरह से हो जाएगा। ओके तो देखिए ये हमारा ये हो गया ट्रॉली। अब ट्रॉली के ऊपर हम लोग को ये चीज़ों को ऐसे खड़े करने का है। सो इसको लगाने से पहले हम लोग जो है ना इसको लगाएंगे, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे लगेगा कुछ इस तरीके से। तो चलिए इधर को हम लगाते हैं सबसे पहले, यहाँ पे ये इस तरीके से लग जाएगा, देख सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से इसमें ओनली पुश करना है आपको, बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है। आपको कहीं प्लेस करना हो तो पूरा आप निकाल भी सकते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए बहुत ही सिंपल है इसको लगाना, देख सकते हैं। ये हमारा एक साइड यहाँ पे हो गया, देन हमारा सेकेंड साइड चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी एक्चुअल में हाइट कितनी जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमको ये क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे सही बताऊँ तो इसको भी हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, देख सकते हो। अगर सॉरी मैं उसको उल्टा लगा रहा था, ये ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बस आपको पुश करना है इसे, देख सकते हैं ये लग गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा ट्रॉली आधा बन के असेंबल हो चुका है, और अभी हम लोग को बस ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये देख सकते हो, इसको हम लोग को लगाना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे इसको, ये इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर वाले पार्ट को फिट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये रहा हमारा ऊपर वाला पार्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं जो इसका रूफ है। मैं ऊपर करता हूँ थोड़े कैमरे को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम जूम बैक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है उसको भी हम लोग असेंबल कर लेते हैं फटाफट से, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको बस मुझे बैठाना है, देन हम लोग ये वाला पार्ट इसमें फिट कर देंगे। सो फाइनली हमने आधा काम कर लिया है, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे रूफ वगैरह हमने ये रूफ लगा लिया है, और ये बेस भी हमारा लग चुका है। मेन अब हमको बस ये फ्रंट वाला पार्ट है जो कि हमको यहाँ पे लगाने का है। तो फ्रंट वाला पार्ट लगाने के लिए बस हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच कर देना है। तो चलिए वो मैं कर देता हूँ, देन देखिए किस तरीके से ये होगा। सो कीप वॉचिंग। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लग रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारा पैक हो जाएगा, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा हमको सता रहा है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसको हम ऊपर से जो है इस तरीके से कर देते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा पैक्ड हो गया पूरा, ठीक है। ये निकलेगा भी नहीं, ओके ओके। अभी ये पूरी तरीके से लग चुका है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। सो बेसिकली होगा कि आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये आपको कंप्लीट एक असेंबल्ड मैंने करके दिखा दिया आप सभी को। आप देख सकते हैं बहुत इजीली आपको यहाँ पे ऊपर अपना इन्वर्टर रखने का है, और नीचे आपको अपनी बैटरी प्लेस कर देनी की है, और वायरिंग के लिए आपको सारा चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। नीचे से आपको यहाँ पे पूरी वायरिंग कर देनी है, और बेसिकली आप इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हो अपने इन्वर्टर को, बहुत ईजी तरीके। आप देख सकते हैं कितना मतलब मज़ा आ रहा है हमको, तो ऐसे ही घुमाने में ही मज़ा आ रहा है इसको। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे ये है, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए। और थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी हाइट, तो आप हाइट देख सकते हो कहाँ तक इसकी हाइट है। मैं 5'9" का बंदा हूँ, और ये मेरी हाइट यहाँ तक आ रही है ओनली, तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए मैं विनाश मोहिया आप सभी से चाहूंगा विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।